हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज भवेश। माय नेम इज जतिन। और मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है हार्ड लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ही वीडियो है, तो इसमें देखते हैं कि उनकी लाइफ के बारे में कुछ बताया गया है। तो देखते हैं कि कैसी हार्ड लाइफ थी समथिंग। बाकी अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं और बाकी बातें वीडियो के बाद करते हैं। शुरू करो। वाले रब्बी का फसबिर, हाय हाय ये है बात। अपने रब के लिए सब्र फिर इख्तियार कीजिए, यानी आपको बताया जा रहा है कि आप ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला। आप जरा देखें, जब ये आयत नाजिल हो रही है उस वक्त तो आपले साम के तो दिमाग में भी नहीं है बात कि मेरे साथ आगे होना क्या है। एक शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे सब लोग सर पे उठाए हुए हैं, सादिक और अमीन कहते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं, और वो उस खानदान से है जो खाना काबे का मतवली भी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा, मेरे साथ क्या कर लेंगे, ज्यादा ज्यादा मस्जिद में आने पे पाबंदी लगा देंगे ना, शहर बदर कर देना, कत्ल के फतवे जारी कर देना, ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा भी नहीं था कभी। अब ये जब ये आयत नाजिल हो रही है कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह को तो पता ना मैंने करना क्या है अपने नबी के साथ। जाहिर है वो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान पाक में मजमून कई जगह है कि हमने तमाम नबियों के मुखालफीन जिन्नो इंस में से उठाए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने उठाए, मुराद ये कि जब उठते हैं तो हम उन्हें उठना देते हैं ताकि ये कशाकश होगी तो फिर हक और बातिल की कशाकश के बाद फिर सच्चाई की चाशनी फील होती है ना। अगर प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी की कदर क्या आएगी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नबी को भी उन आजमाइशों से गुजारा है। इंडिविजुअल आप अलैहिस्सलाम पे भी बहुत आजमाइशें आई और इज्तमाई तौर पे सहाबा और अहले बैत पे भी आई हैं, लेकिन जब ये आयत नाजिल हो रही हैं तो अब आप ये समझ लें कि ये अभी आप अलैहिस्सलाम के, यानी जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पीठ के ऊपर ओजड़ी रखी गई और आप उठ नहीं सके, ये वाकया नहीं हुआ। आपके गले के अंदर, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो डाला गया कपड़ा और इतनी जोर से दबाया गया कि करीब था कि आंखें उबल आती, यह वाकया नहीं हुआ। वहां ताइफ का वाकया नहीं हुआ कि जिसमें पत्थर इतने मारे गए कि मुबारक खून से जूतियां भी भर गईं, यह वाकया नहीं हुआ। वहां फिर कत्ल के फतवे के रात के वक्त सैयदना अबू बकर को साथ लेके और मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटा के आप अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकल गए, ये वाकया भी नहीं अभी हुआ। वहां और सर पर मदीने में तो लाइफ ही पूरी डायनामिक, जाते यहूदी मत्थे मारे लग गए जाके, मुनाफकीन ऊपर से कलमा पढ़ लिया, पीछे से वो यानी जड़े काटते रहे। फिर गजवा बदर में जो कुछ हुआ, ओहद में तो नबी अलैहिस्सलाम के दांत भी शहीद हो गए और आपकी शहादत की खबर मशहूर हो गई, इस कदर आपका खून बह गया। खंदक के वो मौका के ऊपर आप अलैहिस्सलाम को सख्त सर्दियों की रातों में किस तरीके से, इवन सहाबा कहते हैं टॉयलेट जाना वाली मुश्किल हो जाता था, सामने से तीर आके लग जाता था। उसके बाद फिर सुलह हुदैबिये वाली जो मशक्कत काटनी पड़ी, इतना पैदल सफर करके फिर एक पीस ट्रीटी करके वापस जाना पड़ गया, उमरा भी नहीं किया। फिर गज़वा खैबर वाली जो एक मामला आया वो कई हफ्तों तक, उसके बाद फिर फतह मक्का के लिए 10,000 के सहाबा को के लश्कर को लेके निकले रमजान के महीने के अंदर। हम लोग इधर एसी में बैठे हुए और फिर खत्म नहीं हुआ मामला। फौरन फतेह मक्का के 3-4 महीने के बाद कबीला वाजन के साथ जो है वो जंग गजवे हुनैन हो गई। 12,000 का लश्कर था, बस तकबर के जुमले निकल गए कुछ असहाब से कि हम 313 थे तो गालिब आए थे, आज तो हम है ही बहुत हैं। तो कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने यकीन करें कि इतने सख्त अल्फाज के अंदर, जिसे कहते हैं ना मेड़ा मारते हुए, ताना देते हुए बात की है। अल्लाह ने फरमाया तुमने ये बात की, तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की मदद से फतह हुई थी। तो देख लो जब तुमने ये जुमला बोला तो देखो तुम्हें रास्ता भी नहीं फिर मिला भागने का,
80 बंदे बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम के साथ रह गए, सिर्फ 12,000 में से 80 बंदे, बाकी सब भाग गए। वो सामने से तीर ही ऐसे लगे उनको, वो तीर के बड़े एक्सपर्ट थे, कबीला वाजन के लोग। और फिर पैरेलल में जनाब वो रोमन अंपायर ने नबी इस्लाम का सफीर कत्ल कर दिया, आपने गजवे मौता के लिए जो है वो वहां भी मुहिम रवाना कर दी ज़ैद इब्ने हारिसा की सरकर्दगी में, इतने बाजों के ऊपर पैरेलल में। और फिर उसके बाद गजवे मौता के बाद फिर वो गजवे तबू के लिए आप इस्लाम खुद, जिसे वो जैशल उसरा कहा जाता है, तंगी वाला जो मार्का, तो और आखिरी वक्त भी आप क्या फरमा रहे हैं, आखिरी जो आप आगे खुतबा दे रहे हैं बुखारी मुस्लिम में, वो लश्कर उसामा भेज रहे हैं। इतनी मुश्किल लाइफ शुरू से लेके एंड तक, और ये तो बाहर की लाइफ है, जो अंदर आपको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। बीवियां कह रही हैं कि जी इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, फिर कुरान नाजिल हो रहा है कि नहीं इसी तरह गुजारा करो। तो कई माजों के अब ये सारे माज अगर आपके जहन में हो ना, तो फिर आप ये आयत पढ़ें वाली रब्बी का फसबिर, ए नबी अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह के लिए सब्र करना है, अभी तो बड़े बड़े मराहल आने हैं। तो वीडियो यहाँ पे पूरा हुआ। हाँ भाऊ और जतिन भाऊ को तो यही था ना। हाँ ठीक है, हाँ बोल। मैं बोलू? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, आप पहले सही आप सही बोले, सही सही बातें बोली। हाँ, क्या बोली? इन्होंने एक उदाहरण भी दिया था बीच में, एग्जांपल, उदाहरण मतलब एग्जांपल, जो जो प्यासा प्यासा नहीं होता उसको ठंडे पानी की कदर नहीं होती। कहना क्या चाहते हो? वही बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या वीडियो का टाइटल है हार्ड लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, और ये पता नहीं क्या पता क्या बोल रहे हैं। चलो मैं इसको समझाता हूँ, जतिन तू बोल। आप समझा, नहीं नहीं तू बोलना। जतिन को समझ गया है। जो प्रोफेट मोहम्मद है उनकी लाइफ के बारे में बताया गया कि मतलब हम कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि वो बोल रहे कि हम तो ऐसे में बैठे हुए हैं, और उन्होंने उस टाइम में इतनी गर्मी में रमज़ान में जंगे की, पहले व्हीकल नहीं हुआ करते थे, पैर से आना जाना, उन्होंने उतनी सारी तकलीफें देखी, मतलब उनकी उनकी लाइफ थी बहुत हार्ड थी। आज जितने भी फॉलो करते हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी जैसी लाइफ नहीं जीते हैं। उनको यही समझा रहे हैं कि आप ऐसे में बैठे हुए हो, आप उनकी जैसी लाइफ थोड़ी जी रहे हो। उन्होंने इतनी जंगे करके भी कुरान के हिसाब से अपने आप को चलाया और लोगों को पैगाम बताया अल्लाह का। इतनी प्रॉब्लम, इतनी जंगे, उन्होंने बोला ये तो बाहर की प्रॉब्लम थी और घर की प्रॉब्लम और अलग, क्योंकि पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये पता नहीं क्या बोल रहा था, पता नहीं इन्होंने बोला था बीच में आप नहीं, पर अपन जो मेन टॉपिक है वो बात करेंगे ना, अपन उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, लाइफ इतनी टफ थी वो बात करेंगे ना। जतिन बता, सब बता दिया। अब जतिन तू भी कुछ बोल। जतिन बताएगा, जतिन को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इनके बारे में बताया इन्होंने कितनी कठिनाई है सही, और कठिनाइयां देखने वाले कठिनाई समझता है, तो शायद भविष्य में कठिनाई आएगी इनकी लाइफ में तब ये समझेंगे कठिनाई को भी। और ये एग्जाम्पल होता है, ये बोल रहा था ना एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो एग्जाम्पल होता है जब आपके पास कठिनाई नहीं होती है तो आप ऐश आराम में रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, आपको वो दर्द होता है वो महसूस नहीं होता है। लेकिन जब आप भी किसी भी डिफ़िकल्टी से निकलते हैं और आपको एक उसकी सीरियसनेस का पता चलता है, तब शायद आप हर बात को सीरियस लेते हैं। भाई कहते हैं ना स्कूल में टीचर पढ़ाता है तो एक बंदा फर्स्ट आता है एक बंदा थर्ड आता है, जो सीरियस लेता है वो फर्स्ट आता है। आजकल तो वैसे जैसे सारे फर्स्ट आते हैं सब पास भी हो जाते हैं। कैसे आ जाते हैं तो अब आजकल थोड़ा सीरियसनेस निकालना उनको एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, किताबी ज्ञान तो बहुत हो जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास था। यही बातें वो बता रहे थे कि प्रैक्टिकल नॉलेज, आप एसी वाले कमरे में बैठ के आप बातें कर रहे हैं वो ठीक है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। और वही वो बातें उनकी लाइफ कैसी हार्ड थी, ये वीडियो का टॉपिक था, आया समझ में? हाउ हार्ड लाइफ, ओके आया समझ में? तो बी सीरियस, बी सीरियस, ओके हंसना चाहिए, खून बढ़ता है सही है, पर कभी हर जगह हंसना जरूरी नहीं होता है, आया समझ में? तो अब कुछ बोल सकता है तो बोल दे, मैंने इतनी बात कठिन नहीं है सही, इन्होंने अपनी जिंदगी में लाइफ काफी परेशान किया। कौन थे प्रॉफिट मोहम्मद थे? कौन नबी थे? हाँ नबी, नबी वो होते जो अल्लाह का वो सीधा सा कनेक्शन होता है उनका। हाँ आया समझ में? तो वो नबी थे, अपने जैसे अवतार होते हैं ना, अवतार है जैसे कृष्ण है, वैसे तो वो वैसे ही थे। उन्होंने लोगों को पैगाम दिया और अपनी लाइफ में उस चीज़ को जी के तकलीफ देख के लोगों को समझाया,
और वो अभी बोल रहे थे ना 12,000 रुपये, 12,000 लोग आए और 80 बचे, मुश्किलों में साथ कम देते हैं। उसके बाद ये फिर लोग उनकी लाइफ को फॉलो करते हैं ना, तो उनसे अच्छे सबक लेते हैं और सीखते भी हैं। तो चलो जो भी है, इनका रिएक्शन मुझे पता नहीं कैसा था, मैंने अपने हिसाब से अपनी बातें बताई हैं, मेरे हिसाब से इनको भी सीरियस बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों धीरे धीरे सीखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई वीडियोज़ हो जो मैं थोड़ा हार्ड हो गया इन पर ना, कोई बात नहीं, चलता है, ज़रूरी भी है। और भी कोई वीडियोस है मेरी स्टडी पे आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा। बाकी आपकी लाइफ अच्छी हो, आप भी फॉलो करें उनको और उनकी बताई बातों को आगे बढ़ाएं, यही मन है हम भी। और भी कोई वीडियोस हो जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हो और आपको लगता है कि हमें उनको देखना चाहिए, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो मेरी स्टडी पे आप ज़रूर सेंड कीजिएगा, वी विल डेफिनेटली रिएक्ट ऑन दिस ऑन दैट वीडियो। ओके, तो माइंड अप करें, यस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय बाय।